मारने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और मुर्दा घर हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बुल्ली को मुर्दा घर में गार्ड की नौकरी लगती है और उस मुर्दे घर का मालिक बुल्ली को आकर बताता है कि ये मुर्दा घर एक हॉन्टेड मुर्दा घर है और ये बोलकर वो मालिक अपने घर चला जाता है। बुल्ली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, इसीलिए वो फोन करके गुल्ली और सोन को बता देता है। गुल्ली और सोन भी बुल्ली के पास जाने के लिए स्कूटर से निकल ही चुके होते हैं, लेकिन इधर मुर्दा घर के अंदर से डरावनी आवाज आने लगती है और जब बुल्ली अंदर झांक कर देखता है तो उसे कोई अंदर खींच लेता है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता सोन स्कूटर थोड़ा तेज चलाओ, पता नहीं बेचारा बुल्ली किस हाल में होगा। सोन बोलता है बुल्ली हमें बाबा को बुला लेना चाहिए। गुल्ली बोलता नहीं, इतना समय नहीं हमारे पास, क्योंकि जितने देर में हम लोग बाबा को बुलाएंगे उतने देर में बुल्ली का खेल खत्म हो चुका होगा। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है। सोन बोलता लगता है कि काफी जोरदार बारिश होने वाली है। गुल्ली बोलता नहीं सोन, मौसम देखकर लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है और कुत्ते भी भौंक रहे हैं, हमें जल्दी से उस पुराने मुर्दा घर के पास पहुँचना होगा। सोन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो गुल्ली, हम लोग बस थोड़ी ही देर में उस पुराने मुर्दा घर के पास पहुँच जाएंगे। तभी रास्ते में गुल्ली और सोन को एक जमीन पर लेटा हुआ लाश दिखता है। गुल्ली बोलता है ये सड़क पर कौन लेटा हुआ है। सोन स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली लगता है कि ये चुड़ैल है। सोन स्कूटर को इसके ऊपर चढ़ा दो, इंसान होगा तो रास्ते से उतर जाएगी और चुड़ैल होगा तो कौन सा मर जाएगी। सोन अपना सर हिलाता है और फिर स्कूटर को उस लाश के ऊपर से ही लेकर चला जाता है। इस स्कूटर के वहां से जाने के बाद वो लाश उठकर खड़ा हो जाता है। लगता है कि ये उसी मुर्दा घर का लाश है। और इधर गुल्ली और सोन भी मुर्दा घर के बाहर आ चुके हैं। सोन बोलता है ये मुर्दा घर तो देखने में ही काफी हॉन्टेड लग रहा है, पता नहीं बुल्ली इस मुर्दा घर में गार्ड की नौकरी करने के लिए राजी कैसे हो सकता है। गुल्ली बोलता सोन पहले तुम स्कूटर को साइड में लगाओ, उसके बाद देखना है कि आगे क्या करना है। और फिर सोन स्कूटर को साइड में लगा देता है और गुल्ली और सोन मुर्दा घर के अंदर बाहर से झांक कर देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली तो अंदर कहीं दिख ही नहीं रहा। सोन बोलता है गुल्ली हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जरूर बुल्ली इसी मुर्दा घर के अंदर है। और फिर गुल्ली मुर्दा घर के मेन गेट को धक्का मारकर खोलने की कोशिश करने लगता है। सोन मुझे लगता है कि ये गेट अंदर से बंद है, इसका मतलब कि बुल्ली अंदर ही होगा। सोन बोलता है तब तो हमें बाहर से बुल्ली को अंदर आवाज लगाना चाहिए, वो हमारी आवाज सुनकर जरूर बाहर आएगा। और फिर सोन बुल्ली को अंदर आवाज लगाता है, बुल्ली बुल्ली क्या तुम अंदर हो। काफी देर चिल्लाने के बाद भी अंदर से कोई नहीं आता। गुल्ली बोलता है सोन अब एक ही रास्ता है अंदर जाने का, हम इस दरवाजे के ऊपर से जाना पड़ेगा। सोन अपना सर हिलाता है और फिर दोनों दरवाजे के ऊपर चढ़ जाते हैं अंदर जाने के लिए। ये दोनों ऊपर चढ़े ही थे तभी अंदर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता है गुल्ली अंदर तो कुत्ते हैं और मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, यही कारण है कि मैं आज तक तुमसे डरता हूँ। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। गुल्ली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है सोन, अब हमें नीचे कूदना पड़ेगा। ऐसे में मजाक नहीं कर रहा था, और इतना बोलकर सोन नीचे कूद जाता है। सोन बोलता गुल्ली अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। और फिर गुल्ली भी नीचे कूद जाता है। सोन बोलता ये देखो गुल्ली मुर्दा घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है और मुझे ये ताला तोड़ना ठीक नहीं लग रहा। गुल्ली बोलता ये भी तो हो सकता है कि बुल्ली पीछे हो, हमें पीछे चलकर देखना चाहिए। सोन बोलता हाँ मुझे भी यही लगता है। और फिर गुल्ली और सोन दोनों उस मुर्दा घर के पीछे चले जाते हैं।
नीचे देखो, यहाँ पर तो बहुत सारा खून गिरा हुआ है। कहीं ये खून बुल्ली का तो नहीं? बुल्ली बोलता नहीं सोन, ये खून इस कुत्ते का है। सोन बोलता है इस कुत्ते को तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, लेकिन आखिरकार इस मुर्दे घर में इस कुत्ते को मार कौन सकता है? और आखिरकार बुल्ली कहाँ है? तभी सोन के पीछे कोई हाथ रखता है। अरे ये तो बुल्ली है, पर बुल्ली की आंख तो बिल्कुल लाल है और बुल्ली के हाथ में तो खून से लगा हुआ कुल्हाड़ी भी है। सोन बोलता, बुल्ली अभी तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। गुल्ली बोलता, देखो बुल्ली, इस मुर्दा घर के अंदर तो किसी ने इस कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। इस कुत्ते को मैंने मारा, साला बहुत भौंक रहा था और मुझे भौंकने वाले लोग पसंद नहीं। और इतना बोलकर बुल्ली सोन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन तो बुल्ली के हमले से बच चुका है। ये देखकर गुल्ली डर जाता है कि बुल्ली ऐसी हरकत आखिरकार क्यों कर रहा है। लेकिन बुल्ली के सर पर तो खून सवार है और अब वो गुल्ली की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि बुल्ली गुल्ली पर हमला करता, गुल्ली बुल्ली को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि गुल्ली दीवार से लगकर गिरता है। सोन बोलता, लगता है कि बुल्ली को काफी जोर की चोट लगी हुई है। गुल्ली बोलता, देखो सोन, बुल्ली को होश आ रहा है, अगर वो होश में आ गया तो वो फिर हम पर हमला करेगा। इससे पहले कि बुल्ली होश में आए, हम दोनों यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और फिर गुल्ली और सोन वहां से मेन गेट की तरफ भागते हैं। लेकिन ये क्या, मेन गेट के सामने ही स्ट्रक्चर पर लेटी हुई एक लाश रखी हुई है। गुल्ली बोलता, आखिरकार ये मुर्दा घर की रखी हुई लाश यहाँ पर कैसी आ गई? सोन बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और इधर गुल्ली भी आ चुका है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोन बोलता, बुल्ली ये क्या बोल रहे हो? भूल गए वो दिन जब हम दोनों साथ में खेला करते थे और अब तुम हमें मारने की बात कर रहे हो? लेकिन लगता है कि सोन की ये बात से बुल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और हवाएं चलने लगती है और फिर वो लाश के ऊपर से सफेद चादर हट जाता है। लेकिन ये क्या, ये लाश तो कोई और नहीं बल्कि बाबा है। गुल्ली और सोन ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं, ये बाबा इन्हें बचाने के लिए आ चुके हैं। स्वागत तो करो हमारा। ये देखकर गुल्ली और सोन दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। बाबा बाबा करम कर दो ताबा। और फिर बाबा स्ट्रक्चर पर से गुल्ली पर छलांग लगा देते हैं। और गुल्ली को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। खराब कर देते हैं। तभी गुल्ली बाबा के पास आता है और बोलता है, लगता है कि इस पर बुरी आत्माओं का साया है। और फिर बाबा अपने शक्तियों से गुल्ली को ठीक कर देते हैं। गुल्ली उठता है और बोलता है, बाबा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हुआ था? गुल्ली बोलता है, ये सब मैं घर चलकर बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। और फिर सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शॉर्ट आउट जिन्हें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे कच्चा जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।